अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम मेटलर्जी इंजीनियरिंग देखते हैं, ठीक है, और इसके क्या डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन देखते हैं। देखिए, मेटलर्जी इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग, ये मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये इसमें मटेरियल साइंसेस के अलावा इंजीनियरिंग और इसकी डिजाइन और डिस्कवरी के बारे में न्यू मटेरियल्स जो आते हैं, जो पुराने मटेरियल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा, इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ठीक है। मैं इसमें फॉरेंसिक इंजीनियरिंग भी बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखें, जब कोई फेलियर होता है किसी मटेरियल का, उसका हम फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स हमें करना पड़ता है, ठीक है। मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को देखते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है और कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर फेल करता है या नहीं फेल होता। और इसके अलावा अगर पर्सनल कोई इंसानों को इंजरी कॉज या डैमेज या प्रॉपर्टी को कोई मसला कर रहा है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो इसके कुछ सब डिसिप्लिन भी हैं, जैसे मटेरियल इंजीनियरिंग में सिरामिक इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है, पॉलीमर इसमें आता है, मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस, इसमें आप कैलकुलेशन सारी करते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेटिक्स, क्रिस्टोलॉजी, न्यूक्लियर, इसी तरह सरफेस साइंस, ठीक है, ये इसकी सब फील्ड्स हैं। तो अगर आपने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें,